एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हॉल पार्ट टू। जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, मैं एक हॉल में सब कुछ कंबाइन करके आपको नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने हॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पिछले वाले हॉल में हमने मेकअप रिलेटेड आइटम्स देखे थे और इस वाले हॉल में हम देखेंगे स्किन केयर, लिप केयर, हेयर केयर, ऑल टुगेदर पूरा केयर सेशन अपने लिए, क्योंकि कुछ टाइम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए एंड इट विल डेफिनेटली शो अप ऑन योर स्किन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नॉट एवरीथिंग नेसेसरली कम्स अप राइट अवे, बट स्किन केयर जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ टाइम लेती हैं, बट हाँ रिजल्ट आपको ज़रूर देती हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट रेंज ऑफ गुड वाइब्स। गुड वाइब्स इज अ ब्रांड जो मेजरली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो हमारी स्किन, बॉडी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। मैं उन्हीं के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, जाने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो। जो भी आपके सजेशंस हों या आप कुछ बताना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो मुझ तक, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ समथिंग जो समर्स का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है, विच इज़ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए मेरे पास है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन वाइड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, जिसमें SPF 50 UVB और PA ट्रिपल प्लस UVA है। और ये कुछ इस तरीके की दिखती है एंड दिस इज 50 ग्राम का ये ट्यूब है एंड आई हैव यूज दिस। ये वाइट कास्क आपकी स्किन पे नहीं छोड़ता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। मुझे सनस्क्रीन का सबसे वर्स्ट पार्ट यही लगता है जो वो लगाने के बाद ऐसी वाइट कास्क सी छोड़ देती है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करती। एंड आई शो यू, काफ़ी आराम से ये स्किन पे स्प्रेड हो जाती है, इसको स्प्रेड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंड फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये आपकी स्किन पे इतने आराम से अब्सॉर्ब हो जाती है कि आपको बिल्कुल भी मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है। मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है VLCC की सनस्क्रीन से। उसका वर्स्ट पार्ट यही होता था कि वो एक तो लगाने के बाद ना बहुत ऑयली सी लगती थी, ऐसे लगता था और ऑयल लगा लिया है, और इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑयल फ्री। मुझे इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसी उलझन सी नहीं होती थी जो मुझे VLCC के लगाने के बाद होती थी। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन, बहुत ही इसेंशियल है गर्मियों के लिए। धूप में आप जब निकलते हो, यूवी रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं आपकी बॉडी और स्किन के लिए, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गुड वाइब्स का एलोवेरा वाइट स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन, इसी की मैं बात कर रही थी। इट इज़ ऑल्सो विद SPF 50 UVB PA ट्रिपल प्लस UVA विद सन ब्लॉकिंग, एज डिफाइंग एंड स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स। नंबर वन, ये सनस्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ लोशन, आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो पूरी बॉडी पे, जो भी एरिया आपका सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आता है आप हर उस जगह पे यूज़ कर सकते हो, बी इट नेक, हैंड, लेग्स, एनीथिंग। साथ में इसमें क्योंकि एलोवेरा है, एलोवेरा के लिए कहा जाता है कि वो बर्न स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है और उसके मार्क्स को हटाती है। और अगर वो आपको लोशन में मिल रहा है, दैट मीन्स एक तो वो मॉइस्चराइज़र का भी काम कर रहा है, आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा एंड एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम यूवी रेज। ऑल्सो इसकी पैकेजिंग बड़ी ही सही है, ऑल्दो ये पम्प पैकेजिंग में यूजुअल है हमारे लिए पम्प पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, बट इसकी जो बॉटल है उसमें भी लॉक और अनलॉक सिस्टम है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लोशन लीक हो जाएगा या सामान को और गंदा कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्लमजी नहीं है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ना, दैट इज़ शीट मास्क। शीट मास्क का सीन ऐसा है ना कि वो भी यूट्यूब पे बड़ा छाया सा हुआ है। मैंने इस बार इसको ट्राई करने के लिए मंगाया था गुड वाइब्स पे, शीट मास्क का था कि अगर आप 7 शीट मास्क बाय कर रहे हो तो आपको 7 फ्री मिलेंगे, दैट इज़ बाय 14 एंड यू हैव टू पे फॉर ओनली 7। बट मुझे 7 ना लेकर मैंने गुड वाइब्स का दूसरा ऑफ़र चूज़ किया, जिसमें सेम ऑफ़र था कि अगर आप 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट चूज़ करते हो गुड वाइब्स के, सो आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं
शीट मास्क ऑर्डर किए हैं. सबसे पहला है टी ट्री की क्लेंजिंग शीट मास्क, दूसरा है रोज़ मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क, कोरियन जिनसेन नरिशिंग शीट मास्क, वाइट टी एनरिचिंग शीट मास्क, क्यूक्यूम्बर कूलिंग शीट मास्क. भाई साहब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्यूक्यूम्बर को भी कूलिंग एजेंट बोला जाता है और वो स्किन पे बहुत ही अच्छा काम करता है. आपकी आँखों को कभी भी ऐसे आँखों में जलन होना, आप क्यूक्यूम्बर की 2 स्लाइसेस लीजिए, अपनी आँख में रखिए, आपको आराम दीजिए एंड आई एम श्योर आपकी आँखों को बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो आई सो वॉन्टेड टू ट्राई दीज, इनका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था तो शीट मास्क के लिए मैंने फ़िलहाल ये ऑर्डर किया हुआ है. देखते हैं ये कैसा वर्क करता है मेरी स्किन पे, आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू. तो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है वो किया है टोनर. एक है, मैंने 2 टोनर ऑर्डर किए हैं, एक है नीम एंड तुलसी ग्लो टोनर, दूसरा है पोमोग्रेनेट ग्लो टोनर. दोनों ही 120 ml की बॉटल्स हैं एंड इट सेज नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दूसरा, नीम और तुलसी दोनों ही हमारी स्किन पे बैक्टीरिया को आने से प्रिवेंट करती हैं एंड इस टाइम मुझे पता नहीं क्यों पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सो मैंने नीम और तुलसी भी ऑर्डर किया हुआ है. पोमग्रेनेट इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग द ग्लो बैक विच इज़ हाइडिंग विद इन योर स्किन, और स्किन को और साफ रखने के लिए यूज़ होता है पोमग्रेनेट. सो यस, आई बॉट दीज. बेसिकली टोनर का जो काम होता है वो होता है पोर्स को क्लोज करना या टाइटन करना. को क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप स्क्रब रेगुलरली क्या करिए, उससे बहुत हद तक क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. और उसके बाद स्क्रब करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र लगा के या फिर मॉइस्चराइज़र से पहले आप ऐसे ही एक टोनर अपने फेस पे स्प्रिट्स कर उसको सूखने दीजिए और उसके 5-10 मिनट बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें या कोई भी फेस सीरम अप्लाई कर लें एंड इट विल डेफिनेटली वर्क. ऑर्डर किया है एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, नेचुरली ग्लोइंग स्किन वाला वेरियंट है, 15 मिनट रेडियंस. प्रोडक्ट इज़ गुड वाइब्स का लैवेंडर सूदिंग फेस मिस्ट. ये मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि यार गर्मी है, जब भी अपने आप को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े तुरंत स्प्रिट्स करो एंड यू आर गुड टू गो. सो नेक्स्ट इज़ गुड वाइब्स का पी श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइजर विद नीम एक्सट्रैक्ट एंड माई वेरियंट इज मिंट. गर्ल्स, आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो या सिर्फ घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ चिल आउट करने जा रहे हो, तो भी यू शुड हैव दिस. कभी आपको नहीं पता कब इमरजेंसी आ जाए और पब्लिक टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं आज की डेट में, मतलब बहुत कम ही जगह आपको क्लियर टॉयलेट्स मिल जाएंगे एंड इन केस देयर इज़ एन इमरजेंसी, हैंडी रहेगा आपके लिए. नाउ द नेक्स्ट टू थिंग्स आर कंप्लीट लिप केयर. ये 2 प्रोडक्ट्स हैं आपका लिप केयर सॉर्टेड है. द फर्स्ट वन इज़ फ्रेश मिंट लिप स्क्रब, गुड वाइब्स का ही है. सेकेंड इज़ लिप बाम इन द वेरियंट लेमन. ये लिप स्क्रब इतना अच्छे से एक्सफोलिएट करता है आपके लिप्स को. ये लिप स्क्रब है ना, इसकी पैकेजिंग बाय गॉड बहुत ही सही पैकेजिंग है. आई विल शो यू. ये तो बाहर का कार्डबोर्ड बॉक्स है, अंदर की बॉटल इज टू क्यूट. बॉटल दोनों की सेम है, गुड वाइब्स मतलब लिप बाम और लिप स्क्रब दोनों की ही बॉटल एकदम डिट्टो सेम है. दिस इज़ द बॉटल, नॉर्मल प्लास्टिक का है और बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है. और ये लिप स्क्रब है, तो अगर आप तुरंत लिप बाम नहीं भी लगा रहे हो तो भी ये काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को. इसमें बीज वैक्स पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके लिप्स को राइज करके रखता है, मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ही एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को निकालता है. एंड आपके चैब लिप्स हैं अगर और पिगमेंटेड, दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, ट्राई दिस आउट. और लिप बाम भी इनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेम पैकेजिंग है उसकी भी, क्वाइट गुड लिप बाम. इसमें वाकई में लेमन का पूरा पूरा स्मेल आता है, रियली गुड. और अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लेमन इज़ ब्लीचिंग एजेंट जो कि आपके लिप्स में जितने भी पिगमेंटेशन है उसको इरेज करेगा और आपको प्रॉपर प्लम्ड पिंक लिप्स देगा. प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है दैट इज़
गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। दिस इज़ अ फेस सीरम जो कि आप आफ्टर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो या अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगा सकते हो। मेकअप से पहले, अब मतलब फाउंडेशन या बीबी क्रीम वगैरह अप्लाई करने से पहले अगर आप ये लगाते हो, उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो, वो बहुत ही आराम से बीबी क्रीम या फाउंडेशन जो भी है, जो भी यूज़ कर रहे हो, वो इतने आराम से आपकी पूरी स्किन पे स्प्रेड हो जाएगा। दिस रियली हेल्प्स। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। दिस इज़ अ फेस सीरम जो आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। दिस ऑल्सो रिजुविनेट्स योर स्किन। आपके अगर स्किन पे रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं या एजिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग देम और आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाता है। आप अगर ऑयली स्किन टाइप के भी हो तो भी यू कैन यूज़ दिस। और अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है, ये उसमें भी हेल्प करता है और एक ग्लो, नेचुरल ग्लो लाने में बहुत हेल्प करता है। इसको आप चाहो तो अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स भी कर सकते हो या मॉइस्चराइज़र से पहले लगाने के बाद इसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो। और इसको आप अगर नाइट टाइम में यूज़ करते हो तो ये ज़्यादा अच्छे से अपने रिजल्ट्स को प्रूव करता है। एंड डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, दैट इज़ सिल्क एंड हेयर एंड केयर का सिल्क एंड शाइन लीव इन कंडीशनर विथ फ्रूट एंड विटामिन। पाला लाइक सिल्की हेयर। मैं लिवॉन से ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ। मैंने लिवॉन भी यूज़ करके रखा हुआ है, मैंने स्ट्रीक्स भी यूज़ करके रखा हुआ है, बट मैं इसको उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी बिकॉज ये मेरे बालों पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। मेरे बाल को बिल्कुल ग्रीसी नहीं बनाता है, जो कि स्ट्रीक्स जो है वो मेरे बालों को ज़्यादा ग्रीसी बनाता था। एंड लिवॉन ऑल्सो बहुत अच्छा वर्क नहीं किया था। डेफिनेटली ट्राई दिस बॉटल आउट। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है इसका इफेक्ट। और आपके बाल में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिज है, दिस विल डेफिनेटली रिड्यूस देम और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो दिस वॉज माई रीसेंट हॉल जो मैंने शॉप किया था। दिस हैड मेजरली गुड वाइब्स प्रोडक्ट, क्योंकि गुड वाइब्स बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मुझे इसके एसेंशियल ऑयल बहुत पसंद है। मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ टी ट्री ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, और दोनों ही बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट अ सेपरेट रिव्यू ऑन देम और उसको कैसे यूज़ करते हैं, डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर रिक्वेस्ट। लिंक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। एंड If you want any separate review on any of the products, do tell me. Thanks for watching, and this is Aditi signing off. Bye-bye.